नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल सेशन में। 30 मार्च 2019 का एडिटोरियल जो था वो डिस्कस करने वाले हैं आज के इस एडिटोरियल सेशन में। 30 मार्च का एडिटोरियल जो कार्बन एमिशन पे है, और कार्बन एमिशन अभी आने वाले समय में जो भी टॉपिक्स होंगे इनमें ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। कोई भी डिस्कशन में चाहे वो ऐसे लिखना हो, चाहे वो डिबेट करना हो, तो ये जो आने वाला समय है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति कार्बन एमिशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, क्लाइमेट चेंज को कैसे ठीक किया जाए, इन सब बातों पे बहुत सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। तो ये टॉपिक जो है आज का एडिटोरियल है आपको कई मायने में आपको हेल्प कर सकता है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के उपाय, या फिर भारत अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, इन सब चीज़ों पे इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि हम एक ऐसे बढ़िया लिख सके कार्बन एमिशन पे, या फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पे। तो इसी वजह से मैंने ये एडिटोरियल चूज किया है। आज का जो एडिटोरियल था दोनों में से एक कुछ खास एडिटोरियल नहीं था, उससे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगा, तो मैं ये इस एडिटोरियल को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। स्टॉप साइन ऑन साइनिंग ऑन इंडियाज ग्रोइंग कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशन जो बढ़ रही है, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई कार्बन एमिशन, उस पर बात की जा रही है कि एक स्टॉप साइन, इसमें एक स्टॉप साइन मतलब रुकने की कुछ ऐसी संभावना। इंडिया मस्ट रेज इट्स एम्बिशन। इंडिया को अपना जो एम्बिशन है वो बढ़ाना चाहिए। रेज इट्स एम्बिशन, एम्बिशन मतलब लक्ष्य होता है, महत्वाकांक्षा को इंडिया को बढ़ाना चाहिए ऑन रिडक्शन इन कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन के रिडक्शन में कमी करने के लिए जो भारत की प्रतिबद्धता है, भारत का लक्ष्य है, महत्वाकांक्षा है, उसको बढ़ाना चाहिए भारत को। इट इज नो सरप्राइज, यह कोई चकित करने वाली बात नहीं है, दैट द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फाउंड दैट इंडियाज कार्बन एमिशन ग्रू बाय 4.8% ड्यूरिंग 2018। यह कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करता हूं बड़ा। अब देखिए इंटरनेशनल, ये तो हम बात करेंगे इस पे थोड़ा बात कर ले। इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है इसका मुख्यालय पेरिस में है, और इसका जो फाउंडेशन हुआ 1974 में हुआ, 1974 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इट इज़ नो सरप्राइज दैट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फाउंड, यह कोई चकित करने वाली बात नहीं है कि IEA ने फाउंड किया, पाया कि इंडियाज कार्बन एमिशन ग्रू बाई 4.8%। इंडिया का जो कार्बन एमिशन है वो 4.58% बढ़ा है ड्यूरिंग 2018 के काल में। इन स्पाइट ऑफ, इन सब के बावजूद, द नेशनल फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज इन एनर्जी पॉलिसी। एनर्जी पॉलिसी जो हमारा है उसमें नेशनल फोकस है, राष्ट्रीय स्तर पर फोकस है क्लाइमेट चेंज पे। इसके बावजूद जो 4.8% 2018 में बढ़ा है, देयर इज वाइड रिकॉग्निशन, यह बड़े स्तर पे रिकॉग्निशन मतलब जाना जाता है, ज्ञात है लोगों को। इट इज वाइड रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट के बारे में पता है सब लोगों को कि इंडियंस आर नॉट हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। लोगों को ये वाइडली मतलब बृहद रूप से लोगों को ये पता है इस फैक्ट के बारे में कि भारतीय इसके लिए हिस्टोरिक एंड ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए। एंड इट इज द रिच नेशंस, यह वो लोग हैं जो अमीर नेशंस है, अमीर जो राष्ट्र है, लेड बाय यूएस के द्वारा इसको लीड, जो सबसे प्रमुख है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, दैट हैव पम्प्ड इन द स्टॉक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को पम्प्ड इन किया, पम्प्ड इन मतलब प्रवाहित किया है, बढ़ाया है। तो ये यूएस और उसके द्वारा, उस और भी नेशंस जो रिच नेशंस है उन सब के द्वारा ये बढ़ाया गया है ये प्रॉब्लम। लिंक्ड टू एक्सट्रीम, और ये जुड़ा हुआ है
लिंक्ड टू मतलब ये जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, एक्सट्रीम क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, जो एक्सट्रीम बहुत ही अत्यंत जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स प्रभाव हो रहा है, बीइंग विटनेस्ड अराउंड द ग्लोब, पूरे ऑल ओवर ग्लोब में जो विटनेस हम लोग हो रहे हैं, गवाह बन रहे हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट्स का प्रभाव का, ये लिंक्ड है इस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से, और जो कि यूएस के द्वारा लीड किया गया और भी रिच नेशंस के द्वारा दिया गया प्रॉब्लम है ये। इसमें भारतीयों का कोई ऐतिहासिक रूप से इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई रोल नहीं है भारत का। एज द IEA पॉइंट्स आउट, जैसा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पॉइंट्स आउट करती है, रेखांकित करती है, इंडियाज एमिशंस हैव ग्रोन, भारत का जो एमिशन है, उत्सर्जन है, बढ़ा है, बट पर कैपिटा दे रिमेन लेस देन 40% ऑफ द ग्लोबल एवरेज, लेकिन ग्लोबल एवरेज का पर कैपिटा के हिसाब से लेस देन 40% है, तो ये अच्छी बात है। इक्विटी मतलब देखिए, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब फेयर एंड इम्पार्शियल, मतलब बिना भेदभाव के फेयर रूप से, फेयर मैनर से किसी को ट्रीट करना, इक्विटी बोलते हैं उसे। इक्विटी एमंग नेशंस, सभी राष्ट्रों के बीच में समानता, इज देयर फॉर एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑन एनर्जी एमिशंस, इज देयर फॉर एट द सेंटर, यह केंद्र मुख्य बिंदु है डिस्कशन का एनर्जी एमिशंस पे, एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन, और जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, कॉमन है बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज सेंट्रल टू द UN फ्रेमवर्क, यह मुख्य बिंदु है, सेंट्रल है, केंद्र बिंदु है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। UNFCCC के सेंट्रल पॉइंट में, मुख्य बिंदु में, केंद्र बिंदु में क्या है, एक प्रिंसिपल, कॉमन प्रिंसिपल, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन प्रिंसिपल है और लेकिन अलग अलग जो जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का, ये मुख्य बिंदु है UNFCCC का। रीअश्योरिंग एज दे मे बी, दिस मे बी, रीअश्योरिंग मतलब आश्वासन देना, आश्वस्त करना, एज दे मे बी, दिस मे बी, ये हो भी सकता है। द यूनिवर्सल चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ ग्रोन टू सच प्रोपोर्शंस दैट अर्जेंट एक्शंस टू शार्पली कट कार्बन एमिशंस इज क्रूशियल। यूनिवर्सल चैलेंज ये है, चैलेंज चुनौती ये है कि कार्बन चेंज जो है इतने प्रोपोर्शंस पे, अनुपात में बढ़ चुका है कि अर्जेंट एक्शन की जरूरत है, शार्पली कट कार्बन एमिशंस इज क्रूशियल। ये कार्बन एमिशन जो है, उत्सर्जन जो हो रहा है, इसको कट करने की, करना एक अर्जेंट एक्शन की जरूरत है और ये क्रूशियल भी है। एंड ऑल कंट्रीज, और सभी देश इंक्लूडिंग इंडिया, भारत सहित, मस्ट एक्ट क्विकली, इनको क्विकली एक्ट करने की जरूरत है, इस पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, एक्ट करने की जरूरत है। इंटेंसिव मेजर्स, गहन उपाय इन की सेक्टर्स जैसे स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल टू रेज देयर शेयर्स इन द एनर्जी मिक्स, एनर्जी मिक्स में अपने शेयर्स का हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को स्केल अप करना है। ग्रीनिंग ट्रांसपोर्ट को ग्रीनर ले जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी लाइक CNG, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अपडेटिंग बिल्डिंग कोड्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। एंड रेजिंग एनर्जी एफिशिएंसी को और बढ़ाने की ज़रूरत है। विल हेल्प मीट द नेशनल प्लेज, इन सब उपायों को करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जो राष्ट्रीय हमारी प्रतिज्ञा है, राष्ट्रीय जो हमने वादा किया है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट के तहत में, टू कट एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 33-35% बाय 2030। 2030 तक हम GDP के 33-35% तक एनर्जी इंटेंसिटी को कट करेंगे, ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमने नेशनल प्लेज लिया था, और इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें की सेक्टर्स में इंटेंसिव मेजर्स उपाय करने पड़ेंगे। ये कौन कौन से उपाय हैं, ये इन सभी उपाय को करना पड़ेगा हमें, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और इसको रेड पॉइंट ग्रीन येलो जो भी इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था कि 2030 तक हमें जीडीपी का 33-35% तक पेरिस एग्रीमेंट के तहत एनर्जी इंटेंसिटी को कट करना है। एट द ग्लोबल लेवल, अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ग्रीव बाय 7% ड्यूरिंग 2018, 2018 के कार्यकाल के दौरान 7% ग्रो बढ़ा है एनर्जी ग्रीव बाय रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा 7% 2018 में बढ़ा है, बट दिस पेस इज ग्रॉसली इनसफिशियंट। लेकिन ये पेस के बारे में, ये जो गति है, पेस मतलब गति, ग्रॉसली कुल मिलाकर के इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, कंसिडरिंग द राइज इन डिमांड, यह कंसिडर करते हुए कि डिमांड जिस तरह बढ़ रही है उसके हिसाब से यह 7% काफ़ी अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। मोरओवर मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इट वॉज चाइना एंड यूरोप दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब देन, उसकी देन है, कॉन्ट्रीब्यूट करना, भाग लेना, चाइना एंड यूरोप दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड द बल्क ऑफ दोज सेविंग्स इन लार्ज मेजर्स ऑफ सोलर एंड विंड पावर। ये जो 7% क्रीव हुआ है इसमें बल्क में कंट्रीब्यूट किया गया चाइना और यूरोप का, जिन्होंने बहुत उपाय किए हैं सोलर और विंड पावर में, इंडिकेटिंग दैट इंडिया नीड्स टू रैम्प अप इट्स कैपेसिटी इन द एरिया। ये इशारा करते हैं कि भारत को भी इस ओर अपना कैपेसिटी जो इस एरिया के तरफ है वो बढ़ाना चाहिए, रैम्प अप करना चाहिए। इन फैक्ट द फाउंडर, एज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इनफैक्ट ये वास्तव में ये है कि जो फाउंडर होने के नाते, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडर होने के नाते, संस्थापक होने के नाते, इंडिया शुड लीड द रिन्यूएबल एफर्ट्स, इंडिया को लीड के रूप में, एक नेता के रूप में आगे बढ़ चढ़ के इस प्रयास को बढ़ाना चाहिए, रिन्यूएबल एफर्ट्स को जो है, नवीकरणीय प्रयास है ऊर्जा की ओर। येट अभी तक इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग प्राइसेस एंड राइजिंग एफिशिएंसी, प्राइस गिरने के बावजूद और जो बढ़ती हुई एफिशिएंसी है, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टेक्स रिमेन्स पुअरली यूटिलाइज्ड। ये जो फोटोवोल्टेक्स रूफ टॉप सोलर होता है, इसका प्राइस गिरने के बावजूद और एफिशिएंसी बढ़ने के बावजूद ये बहुत ही यूटिलाइज कम हुआ है, रिमेन्स पुअरली यूटिलाइज, बहुत ही खराब प्रदर्शन है इसका। इट इज टाइम, यह समय है, स्टेट पावर यूटिलिटीज आर मेड रिस्पॉन्सिबल, स्टेट पावर राज्य की जो शक्तियां हैं, यूटिलिटीज जो है, उनको मेड रिस्पॉन्सिबल, उनको जवाबदेह बनाने की जरूरत है फॉर डिफाइंड रेट्स ऑफ ग्रोथ। एक रेट के तहत, डिफाइंड रेट कि आप निश्चित करें, उस रेट के तहत ग्रोथ करना है, ये इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी पड़ेगी इन द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ सिस्टम। जो छत पे सोलर पैनल लगाते हैं उसमें इंस्टॉलेशन के एक पर्याप्त डिफाइंड रेट ऑफ ग्रोथ करने के लिए स्टेट पावर यूटिलिटीज को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। अ सेकेंड प्रायोरिटी एरिया इज द क्लीनिंग अप ऑफ कोल पावर प्लांट्स। अब सेकेंड एरिया क्या है कि कोल पावर प्लांट से उसको क्लीन करना। अब क्लीन करने का क्या मतलब, देखिए कोल पावर प्लांट से भी बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉक्सिक चीज़ें निकलती है जो पोल्यूट करती है वाटर को भी पोल्यूट करती है, एयर पोल्यूशन को पोल्यूट करती है, तो उन सारे पावर प्लांट्स को भी क्लीन करने की जरूरत है और उनमें टेक्नोलॉजीज को लाने की जरूरत है। देखिए यहाँ क्या कहा गया कि क्लीनिंग अप ऑफ कोल पावर प्लांट्स सम ऑफ विच आर यंग, जो अभी नए बने हैं एंड हैव डिकेड्स टू बी यूज्ड, और जो आने वाले दशकों समय तक यूज करना है उन सबको, तो उन सारे पावर प्लांट्स को क्लीन अप करने की जरूरत है, उसमें टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत है, जो कि जो टॉक्सिक चीजें हैं, टॉक्सिक वातावरण में छोड़ते हैं, उनको कम किया जाए, मिनिमम किया जाए।
दिस प्रोसेस शुड बी एडेड बाय UNFCCC, और ये प्रोसेस है किनके द्वारा सहायता किया जाएगा, एडेड बाय मतलब सहायता किसके द्वारा किया जाएगा, UNFCCC, यूएन फ्रेमवर्क फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन फ्रेमवर्क फॉर, क्या था इसका फुल फॉर्म, यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये किसके द्वारा मदद की जाएगी, UNFCCC के द्वारा, विच कैन हेल्प ट्रांसफर द बेस्ट टेक्नोलॉजी, जो मदद कर सकता है ट्रांसफर करने में, जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज है, उन्नत तकनीक को ट्रांसफर करने में, फॉर कार्बन कैप्चर, कार्बन को कैप्चर करने के लिए जो बेस्ट उन्नत तकनीक है उसको ट्रांसफर करने में कौन मदद करेगा, UNFCCC, यूज एंड स्टोरेज, द प्रोसेस शुड बी एडेड बाई UNFCCC, यूज एंड स्टोरेज एंड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल लिंकेज फ्रॉम द 100 बिलियन एंड एनुअल क्लाइमेट फंड प्रपोज्ड बाय फॉर 2020, 2020 में जो $100 बिलियन का एनुअल क्लाइमेट फंड रखा गया है, उस फंड के द्वारा मदद करके जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज है उस ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे कि क्लीनिंग अप हो सके कोल पावर प्लांट्स। इंडियाज रिकॉर्ड इन प्रमोटिंग ग्रीन ट्रांसपोर्ट, इंडिया का जो रिकॉर्ड है प्रमोट करने में ग्रीन ट्रांसपोर्ट का, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को, स्वच्छ ट्रांसपोर्ट को, वो अभी अनइंस्पायरिंग है, फीका है, उत्साहजनक नहीं है। एंड एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन के द्वारा जो उत्सर्जन होता है, एंड रिजल्टिंग पॉल्यूशन आर रेजिंग रैपिडली, ये अभी भी जिस जो पॉल्यूशन का एक प्रमुख कारक है, फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जो एमिशन होता है, उत्सर्जन होना, वो अभी भी रैपिडली तेजी से बढ़ रहा है। द सेंटर्स प्लान टू एक्सपेंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो केंद्र सरकार का प्लान है एक्सपेंड करने का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर बसेस टैक्सीज एंड टू व्हीलर्स, इंसेंटिव के द्वारा बसेस को इंसेंटिव देके, टैक्सीज को, टू व्हीलर्स को, इन सबको टैक्स इंसेंटिव्स देके जो प्लान है सरकार का एक्सपेंड करने का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, नीड्स टू बी परस्यूड वाइगरसली, इसको काफ़ी परस्यूड मतलब जारी रखना चाहिए, उत्साह के साथ में, जोश के साथ में, विगोरसली मतलब होता काफ़ी जोश उत्साह खरोश के साथ में किसी चीज़ को करना, तो इसको जारी रखना चाहिए काफ़ी जोशों के साथ में, स्पेशली इन द लार्ज सिटी, मुख्य तौर पे जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है एक बहुत बड़ा कारक होता है। इनएविटेबली मतलब जिसको टाला ना जा सके, अर्थात अनिवार्य रूप से, इंडिया विल हैव टू रेज इट्स एम्बिशन, इंडिया को अपनी जो महत्वाकांक्षा है, लक्ष्य है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ऑन एमिशंस रिडक्शन, जो एमिशन का उत्सर्जन है उसको घटाने के लिए अपना लक्ष्य बढ़ाना पड़ेगा कि हमें इतना घटा लेना है, उस लक्ष्य को बढ़ाना पड़ेगा। एंड पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल स्टॉक टेकिंग ऑफ कंट्री लेवल एक्शन इन 2023, और 2023 में जो कंट्री लेवल स्टॉक टेकिंग होगा, इन हिसाब लगाया जाएगा कौन कितना क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए भारत को। इट हैज द रेयर अपॉर्चुनिटी टू चूज ग्रीन ग्रोथ, यह एक दुर्लभ अवसर है कि ग्रीन ग्रोथ चुनाव करने का, शनिंग फॉसिल फ्यूल्स और जीवाश्म ईंधन को त्याग करने का, फॉर फ्यूचर एनर्जी पाथवेज, आने वाले जो फ्यूचर के एनर्जी के पाथवेज है, रास्ते हैं, पाथवे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो आने वाले जो फ्यूचर एनर्जी पाथवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए अब हमें जीवाश्म ईंधन का त्याग करना और ग्रीन ग्रोथ की तरफ जाना, उसका चुनाव करना, ये हमारे लिए एक दुर्लभ है और इसको करना था हमें है। तो ये पूरा एडिटोरियल होपफुली आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो और क्या करना है आपको, बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।